आप में से बहुत सारे लोग Amazon इंडिया पर सेल कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो Amazon पर सेल करने का मन बना रहे होंगे, भले ही वो इंडिया हो, US हो या कोई दूसरा देश हो जहां पे Amazon काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं, Amazon पे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसा होंगे जो अच्छा खासा बिजनेस Amazon पे कर रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपको कभी भी Amazon पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे 11 साल से ज़्यादा हो गए Amazon पर सेल करते हुए। मैं आपको बता दूं, आप ये खुद भी देख सकते हैं कि आप जितने पुराने सेलर से जाके मिलेंगे जो Amazon पे बहुत अच्छा कर चुके हैं या प्रेजेंटली कर रहे हैं, जब आप उनसे बातें करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि Amazon पे काम करने का तरीका क्या है और Amazon किस तरीके से काम करता है। Amazon पे अगर आप काम कर रहे हैं पार्ट टाइम, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कुछ और काम करते हैं और आपके मन में ख्याल आ रहा है कि चलो वो नौकरी छोड़ देते हैं, वो काम छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ Amazon पे पूरा ध्यान लगाते हैं और बिजनेस को ग्रो करते हैं, तो शायद आप आज की डेट में ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। या अगर आप ये सोच रहे हैं कि Amazon पे हम सेल करेंगे, पहले जॉब छोड़ दें या पहले जो आप काम कर रहे हैं उसको आप छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद आप Amazon पे आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पूरा मन लगा के काम करेंगे और हम अपनी जॉब से ज़्यादा पैसा Amazon पे कमाएंगे। ऐसा हो भी सकता है, बट 99% केस में ऐसा आज की डेट में तो होने वाला नहीं है। जो Amazon का प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें ऐसा अब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लोग Amazon पे काफी समय से सेल करते हैं उनको ये समझ में आ चुका होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो Amazon पे न्यू कमर्स हैं, नए लोग हैं, बहुत सारे लोग अभी बस स्टार्ट किए हैं सेल करना, उनको ये नहीं मालूम रहता है, बाद में समझ में आता है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आप Amazon पे जॉब छोड़ के सेल करने आ रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आप Amazon पे सेल कर रहे हैं, आप स्ट्रगलिंग मोड में या थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपने जॉब लेफ्ट कर दी, तो शायद तब भी आप गलत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि Amazon का जो एल्गोरिथम है या Amazon का जो काम करने का तरीका है खासकर इंडिया में, वो लॉन्ग टर्म आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है। आप जितने बड़े ब्रांड से जाके मिलें जो Amazon के अपने नहीं हैं, जिनकी Amazon से सेटिंग नहीं है, मतलब मैं कोको ब्लू, ई ट्रेड ऑनलाइन, एपेरियो रिटेल, ईजेट प्राइवेट लिमिटेड, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो सिर्फ कहने को Amazon पे इंडिपेंडेंट सेलर का मुखौटा लगा के बैठे हैं जो क्लाउड टेल के बंद होने के बाद आए थे, और ये सारी कंपनीज क्लाउड टेल का रिप्लेसमेंट है Amazon पे, जो कि गवर्नमेंट को एक तरीके से गुमराह कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रूल है FDI का, उसमें ये कहा गया कि कोई भी ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस खुद कुछ भी नहीं बेच सकता है। तो इसीलिए Amazon ने तत्काल कोको ब्लू वगैरह को सबको बंद किया, क्योंकि इसमें Amazon का अपना स्टेक था। और उसके बाद ये कहने वाले जो इंडिपेंडेंट सेलर्स हैं, जो कह सकते हैं कि सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट सेलर हैं, वो आ गए और वो पूरा क्लाउड टेल की इन्वेंट्री को हैंडल करने लगे। बस क्लाउड टेल का नाम हट गया वहाँ से, उनकी इन्वेंट्रीज तो बेच तो यही सारे लोग रहे हैं। खैर, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है, मैं कोई इनकी तरफ से आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ। इनको आप साइड में रख दीजिए, जितने नॉर्मल इंडिपेंडेंट सेलर हैं अगर आप उनके पास जाके आप डीपली एनालाइज करते हैं तो आप ये पाएंगे लॉन्ग टर्म में Amazon करता ये है कि जो प्रोडक्ट आपके ज़्यादा बिकने वाले हैं धीरे धीरे उस प्रोडक्ट का डेटा लीक कर देता है अपने सेलर्स, जो इनके अपने सेलर्स हैं, साथ ही साथ और भी जो सेलर्स अच्छा कर रहे हैं उनके पास वो डेटा लीक हो जाता है, और कुछ ही दिनों में सेम प्रोडक्ट की कॉपी Amazon पे सेल होने लगेगी, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बिकना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। ज़्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि Amazon के जो अपने स्पॉन्सर्ड या एफिलिएटेड ब्रांड हैं वही उस प्रोडक्ट को आपसे कम दाम में सेल करने लगते हैं, क्योंकि वो जो कंपनीज हैं वो डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड हैं, उनका जो कमीशन रेट है, उनका जो फिक्स पे स्ट्रक्चर है वो आपसे काफ़ी कम है, तो वो उसी सिमिलर प्रोडक्ट को आपसे बहुत सस्ता बेचने वाले हैं और आप उनको कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन, Amazon जितना आप थोड़ा पुराने होते जाएंगे आपकी लिस्टिंग्स थोड़ी रैंक करती जाएगी,
अमेजोन ये चाहेगा कि आप बहुत सारे पैसे एड्स में बर्न करें, कैंपेन्स में बर्न करें, क्योंकि अमेजोन को जो ज़्यादातर कमाई है इंडिया में वो एड से ही आती है। अमेजोन ने पिछले कुछ महीनों में एल्गोरिथम में ऐसा चेंज किया है कि अगर आप एड नहीं चलाते हैं बंद कर देते हैं तो आपकी बहुत सारी सेल्स खत्म होने वाली हैं, क्योंकि अमेजोन अंदर से अब यही चाहता है कि ज़्यादातर जो सेल्स मिले इंडिपेंडेंट सेलर्स को वो ऐड से दी जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक सेल आपको वैसे भी बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक सेल का जो प्लेसमेंट है सर्च में वहाँ पे इनकी जो बड़ी कंपनीज हैं वही सेल उन्हीं का प्रोडक्ट वहाँ पे दिखाया जाता है। आपके बहुत कम प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो वहाँ पे लैंड करेंगे। अगर वो लैंड भी कर रहे हैं तो टाइटल पे मत जाइएगा, उस पर क्लिक करके देखिएगा, वो इन्हीं की कंपनी उसको मैप करके बेच रही होगी। तो ऑर्गेनिक सर्च में जो टॉप प्लेसमेंट है वहाँ पे तो आपका प्रोडक्ट रैंक करने से रहा, तो ज़्यादा वो वहाँ से बिकेगा नहीं, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज बचती हैं कि आप ऐड चलाएं, कैंपेन्स चलाएं, उससे सेल लेके आएं। जब आप ऐड चलाएंगे तो आपका जो ए कॉस होगा वो 15% के ऊपर ही जाएगा, वो कहीं तो 25-30-40% जाता है। पता लगा आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है प्रोडक्ट में वो 10-15-20% का है, उतना आपका ए कॉस चला जा रहा है, तो अल्टीमेटली आप लॉस में जा रहे हैं। मतलब आप काम कर रहे हैं लेकिन काम अमेजोन के लिए कर रहे हैं, एड का भी पैसा जो आपका मुनाफा है वो भी अमेजोन ही खा जाएगा, साथ ही साथ तो कमीशन और फिक्स भी तो आपसे ले ही रहा है। ये दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। तीसरा, अमेजोन लॉन्ग टर्म में जो सेलर्स सेल करते हैं धीरे धीरे उनकी विजिबिलिटी, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं उनके एसिन को भी हैम्पर करता है। कई बार तो वो डिरैंक कर दिए जाते हैं, कई बार उसमें इतने रिस्ट्रिक्शंस, इतनी वार्निंग आ जाती है कि वो सस्पेंड हो जाता है, वो लिस्टिंग ही बंद हो जाती है। कई बार आपकी लिस्टिंग बिकते बिकते अचानक से बिकना बंद हो जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमेजोन लॉन्ग टर्म में किसी प्रोडक्ट को फेवर नहीं करती है। कुछ समय वो टॉप सेलिंग रहेगा, अच्छा बिकेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो बिकना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। ये तीसरा रीजन है। चौथा, अमेजोन लगातार अपनी फी को बढ़ाता जा रहा है, कमीशन को बढ़ाया, फिक्स फी को बढ़ाया, आपको ऐड चलाने पे मजबूर कर रहा है, आपको ऑर्गेनिक सेल्स नहीं मिल रही हैं, और दूसरी तरफ अमेजोन की पूरी कोशिश यह है कि आप प्रोडक्ट उनके यहाँ सस्ता से सस्ता बेचें। मतलब ये है कि वो अपना पूरा कमीशन बढ़ाता जा रहा है और आपसे उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप दाम बढ़ाएं नहीं, दाम घटाते रहें समय के हिसाब से। मतलब ओवर द ईयर्स आप प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा नहीं पाएंगे, उल्टा आपको हमेशा कम करना पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो। साथ ही साथ अमेजोन चूंकि वो सपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स जो कम दाम में बिकते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जितने भी आपके कंपटीटर या अमेजोन के अपने ब्रांड जो उस प्रोडक्ट को सस्ता बेच रहे हैं उनका वेटेज आपके ऊपर आ जाएगा और उनको ज़्यादा अच्छी सर्च पोजिशन मिलेगी और आपको मिलना ही बंद हो जाएगी। अगेन बात करें अमेजोन लॉन्ग टर्म में, चूंकि यहाँ पे इतनी सारी पॉलिसीज हैं, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, कई बार आप सही होते हैं फिर भी आपको पॉलिसी वार्निंग मिल जाती है और कई बार तो पॉलिसी वार्निंग मिलने के बाद अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। अमेजोन अगर आप इजी सिप मीडियम का यूज कर रहे हैं तो सेफ्टी क्लेम देने में बहुत आनाकानी कर रहा है, आपका आइटम चोरी होता जाएगा और आपको पैसा भी रिफंड में बहुत कम मिलेगा या मिलेगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली आपका घर का भी जो पैसा, आपका अपना जो पैसा है वो भी वहीं पे जा रहा है। लॉन्ग टर्म में अमेजोन आपके प्रोडक्ट की कॉपी बनाएगा या बनवाएगा, खुद उसको आपसे सस्ता बेचेगा और आपका वेटेज, आपका जो प्रोडक्ट है उसका वेटेज मिलना बंद हो जाएगा, वो रैंक करना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ कई बार सस्पेक्टेड आईपी की वार्निंग आके आपके प्रोडक्ट को डीरैंक या सस्पेंड कर दिया जाएगा सस्पेक्टेड पॉलिसी वायलेशन में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेजोन करता है। अगर आप पुराने सेलर होंगे, आपको थोड़ा टाइम हो चुका होगा, ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। जो आप में से नए हैं या अमेजोन करने की सोच रहे हैं उनको मैं ओपनली ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहले जब ये चैनल स्टार्ट हुआ था मैंने बहुत सारी वीडियोस अमेजोन को लेके बनाई थी कि कैसे सेल करते हैं, क्या करते हैं, और उस समय अमेजोन ये चीज़ें नहीं कर रहा था या बहुत कम कर रहा था। पिछले 2 सालों में अमेजोन बहुत चेंज हुआ है, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन उनके तक पहुंचा दी जाए। तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अमेजोन को इस समय खासकर अगर आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स लेकर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा,
मीन्स अमेजोन को आप ये मान के चलें कि जो आपका समय मिल रहा है दिन या रात में, आपने शिपमेंट पैक करके एफबीए कर दिया, या आपने एक दो इम्प्लॉई हायर कर लिए, उनसे आप पूरा काम करा रहे हैं, बाकी आपका जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो चाहे कोई जॉब ही क्यों ना हो, उसको आप कंटिन्यू करते रहें। साथ ही साथ अगर आपका कोई और बिजनेस है, आप सोच रहे हैं कि उसको लिफ्ट करके अमेजोन पे पूरा ध्यान दिया जाए, तो भी सही नहीं है। अमेजोन को शुरुआती दौर में आप पार्ट टाइम लें। आप अमेजोन पे डिपेंड होने का रिस्क तभी ले सकते हैं जब मंथली आप 10-12 लाख का बिजनेस कर रहे हो। उस केस में क्या हो सकता है, अगर आपके पास बैकअप अच्छा है, फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है, तो आप अमेजोन को ध्यान दीजिए, बट साथ ही साथ सिर्फ अमेजोन पे डिपेंड ना होइए, बाकी मार्केट प्लेसेस को टारगेट करिए, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना लीजिए, उसको भी धीरे धीरे रैंक कराना स्टार्ट करिए, क्योंकि अमेजोन पे कभी भी आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए। कब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए, कब आपका प्रोडक्ट डीरैंक हो जाए, कब अकाउंट मैनेजर जो उनकी तरफ से असाइन होते हैं वो आपको डील चलाने में, ऐड चलाने पे मजबूर करें, ये बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि एक आम सेलर को ये नहीं समझ में आता है कि ये लिमिटेड टाइम डील जो बैज है वो कैसे मिलता है। वो उनको मिल जाता है जिनके पास अकाउंट मैनेजर है, इजली वो ये करवा पाते हैं, या आपके पास जो डील प्लानर पेज है, जब कोई नॉर्मल डील लगती है, सेल इवेंट लगता है, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो आपकी एलिजिबल प्रोडक्ट है उसमें आप खुद भी डील ऑफर कर सकते हैं, बट वो तभी जब कोई इवेंट होगा। नॉर्मल डेज के लिए अगर आपको लिमिटेड टाइम डील बैच लेना है, तो जो इनके अकाउंट मैनेजर्स होते हैं वही आपको दिलवाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो कंपटीटर है वो डील लगा के प्रोडक्ट को बेच ले रहा है और आपका प्रोडक्ट रैंक नहीं कर पा रहा है। तो लॉन्ग टर्म में अमेजोन पे ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद बिल्कुल नहीं करेंगी, आपको हैम्पर करती रहेंगी, क्योंकि अमेजोन की ये टेक्निक है कि सेलर्स तो इतने सारे आते रहेंगे, जितने भी हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग की जाए, क्योंकि अगर वो चले भी जाएंगे तो उसकी जगह पे 100 रिप्लेसमेंट और आ जाएगा, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है, तो उसको तो आज नहीं तो कल किसी दूसरे से कमा लेना है, तो अपना सिस्टम वो नहीं चेंज करने वाला है। आपको अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि अमेजोन इंडिया में किस तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आप ब्लाइंडली आप उसको ट्रस्ट करोगे तो कभी ना कभी आपको धोखा जरूर मिलेगा और आप फिर परेशान हो जाओगे। तो आपको अमेजोन पे कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आपको अमेजोन को एज अ पार्ट टाइम बिजनेस, एज अ सेपरेट बिजनेस लेना चाहिए कि बस ठीक है चल रहा है, चलने दीजिए, आप ट्रस्ट करें, मतलब आप जॉब वगैरह तभी छोड़ें या काम अपना तभी छोड़ के अमेजोन पे आएं जब आप 10-12 लाख मंथली काम कर रहे हो, तब आप अमेजोन पे ध्यान दें, बट उसके साथ साथ आप तुरंत जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, वेबसाइट अपनी है, वहां पे भी चले जाएं, क्योंकि अमेजोन लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। आप कुछ महीने 10-12 लाख की सेल करेंगे, 1-2 साल करेंगे, फिर वो बढ़ेगी नहीं, वो कम हो सकती है। तो इसीलिए आपको ये पैटर्न समझना पड़ेगा, ये डार्क प्रैक्टिसेस हैं। अमेजोन मेरी जहां तक राय है कभी ईमानदार नहीं रहा। कोई भी देश हो, आपने देखा होगा अमेजोन पे इतने सारे कोर्ट केस चल रहे हैं। इंडिया में खुद आप देख लीजिए, रिसेंटली एक बड़ा केस हुआ था जहां पे ये अपने इंप्लॉइज का शोषण कर रहा था। जब गवर्नमेंट ने इसको नोटिस दी तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, हम टॉप क्लास सब कुछ अपने यहाँ करते हैं। जब गवर्नमेंट ने स्क्रूटनी नोटिस दे दी कि हम स्क्रूटनी करेंगे, तो इन्होंने माफी मांग ली और खुद मान लिया कि हाँ हमारे यहाँ कुछ गलतियां हैं जिनको हमको सुधारना है। ये अमेजोन पुराना इसका सिस्टम है, ये पूरी कोशिश ये करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ये आपसे निकाल पाए, एड्स के थ्रू, डील्स के थ्रू, अकाउंट मैनेजमेंट के थ्रू, या इनकी और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जहाँ पे आपसे एक्स्ट्रा कमीशन लिए जाते हैं, और बाकी आप जाएंगे तो कोई दूसरा सेलर आएगा, क्योंकि इसको मालूम है कि एक का रिप्लेसमेंट 100 लोग निकल के आ रहे हैं, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो क्लाइंट मिलते रहेंगे और इसकी अर्निंग होती रहेगी। समझना सिर्फ आपको पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।